in my hair. It's so big and full and soft. It is so long and beautiful, curly and so soft. And you know, when I was growing in the meadow, then I was looking. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगी फातिमा के हेयर कट का एक्सपीरियंस, कि किस सैलून से करवाया, कितने चार्जेस पे किए, कहाँ पर लोकेटेड है और ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। Come and join with me, and it's so fun and it's funny. सबसे पहले तो हमने अपॉइंटमेंट ली सैलून विजिट करने से पहले, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगी, देन आपको सैलून विजिट करना होगा, अदरवाइज यू हैव टू वेट। तो इस आप में से बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे कि मैंने कुछ दिन पहले फातिमा की एक वीडियो अपलोड की थी, और उसमें फातिमा के हेयर कट के हवाले से आप लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस पे के बिहाफ पे आपके आपके सजेशंस मांगे थे कि फातिमा किस सैलून में विज़िट करे और कहाँ से हेयर कट कराए। बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब ने इस वीडियो पे जो कमेंट्स हैं वो ब्लॉक कर दिए। आई डोंट नो व्हाई, शायद उनकी ये पॉलिसी है कि वो बच्चों को इस तरह के कमेंट्स पे इंटरटेन नहीं करते। बट एनी हाउ, हमने खुद ही से डिसीजन लिया कि हमें कहाँ से हेयर कट कराना चाहिए। तो लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, और आप भी बताइएगा। तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको फातिमा की ये नई लुक कैसी लगी, आपको उसका हेयर कट कैसा लगा, और हाउ यू लाइक इट और नॉट। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो जैसे ही हम एंटर हुए, सबसे पहले हमें वेलकम किया गया, उसके बाद हमें प्रॉपरली सैनिटाइज किया गया, हमारे हाथों को, पैरों को, जूतों को ख़ास तौर पर, और उसके बाद फिर मैंने वीडियो बनाने की परमिशन ली, और तो मुझे परमिशन मिल गई। देन वी सेट इन द वेटिंग एरिया, और हम वेटिंग एरिया में बैठ गए और वहाँ पर अपनी टर्न का वेट करने लगे। तो यहाँ मैं आपको इनके मेन हॉल का एक ओवरव्यू दिखा रही हूँ, जो इनका मेन सिटिंग एरिया है और जो मेन इनका कटिंग एरिया है या मैनीपैडी एरिया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर फातिमा जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि उसका हेयर कट किस तरह से होगा और कटिंग किस तरह से होगी, सीजर किस तरह से चलेगी। तो एनीवेज, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही थी कि मैंने ग्लैम स्ट्रीट के हेयर कट के हवाले से बहुत अच्छे गुड रिव्यूज सुने थे, पढ़े थे, तो वी हैव डिसाइडेड कि क्यों ना हम इसको एक दफ़ा ट्राई करें। तो ये मेरा और फातिमा का यहाँ पर हेयर कट का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो गूगल पर सर्च किया, यहाँ पर पहुँचे, और लेट्स सी के फाइनली हमें कैसा रिजल्ट मिलता। माशाल्लाह, फातिमा इज़ सो हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर द हेयर कट, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसको एक प्रिंसेस हेयर कट मिलेगा, और फिर वो एक क्राउन पहनेगी और वो प्रॉपरली प्रिंसेस की तरह उसकी लुक हो जाएगी। तो इसलिए वो बहुत हैप्पी है, बहुत एक्साइटेड है। यहाँ पर उसके बालों को कॉम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा टैंगल्ड हेयर है इसके, तो थोड़ा सा इसको फील हो रहा है कि नहीं, इट्स नॉट दैट मच ईजी, लेकिन बहरहाल शी इज़ हैप्पी, शी इज़ इंजॉइंग कॉम करने के बाद। शावर के साथ जो है वो यूजली, जैसे कि सबसे पहले बालों को जो है वेट किया जाता है, इस तरह से उसको वेट किया गया, एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है।
जो स्टाफ था वहाँ पर दे वर वेरी अमेज्ड कि फातिमा जो है वो इतनी ज़्यादा हैप्पी कैसे है हेयर कट के हवाले से। बच्चे तो यूजुअली रो रहे होते हैं और चीख रहे होते हैं कि हमें यूँ बाल नहीं कटवाने, हमें यूँ सर नहीं रखना, लेकिन फातिमा जो है वो माशाल्लाह से शी वॉज़ वेरी हैप्पी एक्साइटेड और बस उसको एक प्रिंसेस वाली लुक चाहिए। और इसने जो है वो आंटी को ये बता दिया है कि मुझे इस तरह का हेयर कट चाहिए। यहाँ पर फातिमा की जो मस्तियाँ हैं वो जारी हैं। Now we are waiting for our turn कि हमारी बारी कब आएगी। Finally फातिमा का हेयर कट स्टार्ट कर दिया गया। तो ये पूछने के बाद कि आपको किस तरह का हेयर कट चाहिए, कितनी लेंथ चाहिए, एक्चुअली मुझे फातिमा की लेंथ जो है वो शोल्डर कट तक चाहिए थी और उसका जो हेयर कट है वो मैंने पीछे से स्टेप्स में और फ्रंट से जो है वो लेयर्स फॉरवर्ड लेयर्स जो है वो उसकी कटिंग कराई और देखते हैं कटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। बट कटिंग के स्टाइल से और बालों को टाई करने से और पकड़ने से पता चल रहा है दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे आर वेरी ट्रेंड और बिल्कुल भी वो इस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे कि जैसे ये बच्चे का हेयर कट है, बेबी कट है तो आप उसको जो है वो बहुत ईजी लें, बहुत लाइट लें। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, बहुत ही प्रोफेशनल वे से इसकी कटिंग की एंड आई लाइक इट और वाकई ही जो है वो देख के अच्छा लगा। फातिमा पहले जितनी एक्साइटेड थी एट द टाइम ऑफ कटिंग जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठी हुई थी, क्यों? क्योंकि अब उसको अपना सर जो है वो बिल्कुल एक जगह टका कर रखना था और जो बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल काम है अपने आप को एक जगह टका के रखना, तो इस वजह से जो हेयर कट करने वाली थी उन्होंने अपने लिए एक हेल्पर मंगवाई और इनसे कहा कि फातिमा का जो है वो सर थोड़ा सा पकड़ के रखें ताकि जो हेयर कट है उसमें इशू ना हो और अच्छे से कटिंग हो सके। फ्रंट से फातिमा का जो है वो एक अच्छा सा मैंने फ्लिक कटवाया और आई होप देखते हैं कैसा लगता है। तो जनाब अब जो हेयर कट है वो कंप्लीशन की तरफ है, उसके बाद फिर ब्लो ड्राई होगा।
स्टाफ जो है वो यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत फ्रेंडली था, बच्चों के साथ जो है बहुत अच्छे से बहुत नाइसली ट्रीट कर रहे थे, बहुत पोलाइटली ट्रीट कर रहे थे, बिल्कुल भी हार्श जो है वो उनका उनकी टोन नहीं थी। नाउ आप देख सकते हैं कि फातिमा जो है वो कितनी एक्साइटेड हो रही है, कितनी हैप्पी हो रही है, क्योंकि उसका हेयर कट जो है वो कंप्लीट हो गया है और आप देखते हैं ब्लो ड्राई की टर्न है। यहाँ फातिमा को याद आ गया कि उसका हेयर कट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका क्राउन किधर है? उसको क्राउन चाहिए, प्रिंसेस वाला क्राउन भी उसको आना चाहिए। तो मैंने उसको ये बताया कि क्राउन घर पर पड़ा हुआ है और जब हम घर जाएंगे तो इंशाल्लाह हम क्राउन जो है सबको जरूर रखेंगे। नाउ लेट्स सी फातिमा की जो ब्लो ड्राई है उसको भी फातिमा ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा उसको मज़ा आया कि उसके बाल जो हैं वो कितने चेंज हो गए हैं और लुक जो है वो कितनी अच्छी हो गई है। ब्लो ड्राई भी बहुत अच्छे से और बहुत ही प्रोफेशनल वे में किया गया, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कि बच्ची है तो आप उसको टरखा दें। बट मुझे सबसे अच्छी बात जो इसमें लगी है वो ये है कि इतना अच्छा हेयर कट और इतना अच्छा ब्लो ड्राई और इतना ही प्रोफेशनल एटीट्यूड था, लेकिन उसके बावजूद जो हेयर कट है वो बहुत ही रिजनेबल था। तो आप मतलब मेरे लिए तो मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि जस्ट 800 रुपीज़ में आप इतना अच्छा जो है वो हेयर कट ले सकते हो किड्स के लिए। मेरा ख्याल है बड़ों के लिए इनके चार्जेस जो हैं वो 2500 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए आई थिंक इट इज़ टू रीज़नेबल और टू गुड फॉर देम। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला इसको ज़रूर विज़िट करूँगी और आपको इसको ज़रूर रिकमेंड करूँगी। आप इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैंने एक दो सैलून से पता किया, मुझे यही बताया गया कि इसके यहाँ पर जो चार्जेस हैं या तो चार्जेस कम होने की वजह से वो जस्ट एक नॉर्मल सा बेबी कट दे रहे थे, या फिर प्रॉपर चार्जेस 2000-2500 जो नॉर्मल हेयर कट के चार्जेस होते हैं एडल्ट्स के लिए वही चार्ज कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे चार्जेस भी बहुत रीज़नेबल लगे और कट भी बहुत प्रोफेशनल और बहुत अच्छा लगा। तो मेरा तो एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। इट वॉज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस बट डेफिनेटली आई विल विज़िट अगेन और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी। फातिमा को भी हेयर कट अच्छा लगा, ये चेंज जो है वो बहुत नाइस लगा और वो ये कह रही है कि आई एम लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस और नॉट। नो वी आर गोइंग बैक और आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको फातिमा का ये नया हेयर स्टाइल, नई लुक कैसी लगी। So, make it like a princess, but I love-